क्रिकेट की खबरों के लिए क्रिकेट आज तक को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। भारत साउथ अफ्रीका तीसरा टेस्ट मैच। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 111 रनों की जरूरत, भारत को 8 विकेट की तलाश। क्या है पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहे वीडियो में लास्ट तक। कैपडाउन टेस्ट में जीत के लिए 212 रनों के टारगेट का पीछे करते हुए साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन स्टंप तक अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 101 रन बना लिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने मेजबान टीम के कप्तान डेन एलगन को विकेट कीपर के हाथों कैच कराया। इसी विकेट के साथ स्टंप की घोषणा कर दी गई। चौथे दिन साउथ अफ्रीका को सीरीज जीतने के लिए 111 रनों की जरूरत है, वहीं भारतीय टीम को 8 विकेट चाहिए। एल्गर पहले ही आउट हो जाते। रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर एम्पायर ने एल्गर को LPW आउट दे दिया था, लेकिन DRS ने अफ्रीकी कप्तान को बचा लिया। गेंद स्टंप से ऊपर से जा रही थी। एडम मार्करम को मोहम्मद शमी ने आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी। इससे पहले भारत की दूसरी पारी 198 रन पर सिमट गई। ऋषभ पंत ने मुश्किल परिस्थिति में शानदार शतक जमाते हुए नाबाद 100 रन बनाई। भारत को पहली पारी के आधार पर 13 रनों की लीड मिली थी। इस तरह साउथ अफ्रीका को 212 रनों का टारगेट मिला है। भारत ने पहली बार किसी टेस्ट में अपनी सभी 20 विकेट कैच आउट के रूप में गवाए हैं। सो दोस्तों, क्रिकेट के जुड़ी ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।